आज मैं क्लास 7 में पौधों में रोशन इसके बारे में आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ और अब मैं उसका अभ्यास करा दी। ओके बच्चों, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प के सामने। मैं इनके सारे उत्तर उत्तर लिख रही हूँ, आपके पास बुक है आप बुक में निशान लगा दीजिए सही उत्तर का। ओके, पहला आंसर है जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी, स्वयंपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी। दूसरे का आंसर है भोजन की फैक्ट्री कहाँ जाता है? पत्तियों को। किसको कहा जाता है? पत्तियों को, ठीक है। तीसरा है अहरित पौधे होते हैं, अहरित पौधे होते हैं विषमपोषी, विषमपोषी। चौथे का आंसर है बच्चों शर्करा को भोजन के लिए कहते हैं, जिसमें शक्कर होती है शर्करा, शक्कर वो शर्करा को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी। पांचवा है हरी कोशिकाओं को कहते हैं, जो हरी कोशिका होती है पत्तियों में जो हरी हरी लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एनर्जी मिलती है ना।
लघु। अति लघु में क्या होता है, अति लघु में क्या होता है, केवल हमें एक शब्द में आंसर देना होता है। प्रश्न पढ़िए और उसका एक शब्द में आंसर या एक वाक्य में आंसर बताना होता है। जैसे हमारा है अति लघु, इसके उत्तर में हमारे किताब में प्रश्न है, उत्तर मैं लिखवा रही हूँ। सजीवों के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए जो जीवित रहते हैं वो कौन सी प्रक्रिया है? इसका उत्तर नंबर एक है, उत्तर एक है पोषण। कौन सी प्रक्रिया? पोषण की प्रक्रिया। ठीक है, उत्तर नंबर दो, पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण सजीवों के लिए पोषण जरूरी है लेकिन वो कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषण और विषम पोषण। पढ़ रहे
चला जाता है। इसलिए पौधों में पोषण किसके कारण होता है? कण हरित की उपस्थिति में होता है। तीसरा है हमारा पोषण है तीसरा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी है, यानी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है हमें, तो उसकी अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया हम पहले
किस प्रकार के दोष हैं हम
Thank you.
Thank you.
बच्चों मैंने आप लोगों को ये पूरा लेसन करवा दिया है, अब आप लोग शेयर पे करिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।